आज हम अपने आप को कश्मीर के पंडितों का गुनाहगार समझते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हम इनका साथ नहीं दे पाए। रविवार सुबह 10 बजे एनजीओ मातृभूमि सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा पीवीआर सिनेमा इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स का विशेष शो रखा गया, जहां 350 लोगों ने इस फिल्म को देखा, जिसमें युवा लड़के लड़कियां सहित महिलाएं और बुजुर्ग भी जुटे। साथ ही साथ इस फिल्म को देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ता, आरएसएस तथा बजरंग दल के लोग पहुंचे। सिनेमा हॉल जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। शो समाप्त होने के बाद मातृभूमि की महिमा गान भी गाया गया। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का स्मरण कराती है और बेघर हुए इन मासूमों के साथ हुए अत्याचार को दर्शाती है, जिससे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुंध जाता है। कश्मीर में हुए नरसंहार को इस फिल्म में देखकर लोग द्रवित हो उठे। शो देखने के लिए रमा सान्याल ने एक कश्मीरी माँ गिरजा गादरू और उनके बेटे अंकुश को आमंत्रित किया था। माँ बेटे ने अपनी आपबीती को याद करके भावुक स्वर में कहा कि हमने इस त्रासदी को झेला है। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साहसिक कारनामा कर दिखाया। बॉलीवुड में इस दुर्दांत घटना को उजागर करने का साहस शायद ही कोई फिल्म मेकर उठा पाता। 370 हटने से हमें खुशी है और उम्मीद है एक न एक दिन हमारी घर वापसी होगी। इस विशेष शो का आयोजन करने वाली मातृभूमि सेवार्थ फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा सान्याल बार बार इस फिल्म को देखकर भावुक हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटना है। दुनिया के हर सनातनी के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को भी यह फिल्म देखनी चाहिए और सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अब जाकर मैं कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को महसूस कर रही हूँ और मुझे अफसोस है कि उस समय मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब हम सनातनी को जागरूक एवं संगठित होकर चलने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। वहीं फिल्म देखने पहुंचे निर्माता रजनीश डी के जैन ने कहा कि मातृभूमि सेवार्थ फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा सान्याल ने जिस बुलंद हौसले के साथ सभी हिंदुओं को एकत्रित कर फिल्म दिखाई वह प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे फिल्म मेकर को आगे आना चाहिए जो देश व धर्म की रक्षा में अपना कर्तव्य निभाए। द कश्मीर फाइल्स का यह शो हाउसफुल रहा। कुर्सी खाली नहीं होने के कारण कई दर्शक नीचे बैठकर फिल्म को देखा। इस शो में सामाजिक कार्यकर्ता पूनम छबलानी करी भी उपस्थित रही, जिन्होंने इस फिल्म की जमकर तारीफ की। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता संतोष साहू की रिपोर्ट।
रमा जी, आज द कश्मीर फाइल्स यहाँ पर स्क्रीनिंग किया गया है, काफी सारे भजन दल के कार्यकर्ता और हिंदुत्व की भावना लिए यहाँ पे काफी दर्शक उपस्थित हुए थे, और आप आपकी जो संस्था है मातृभूमि सेवार्थ फाउंडेशन जो है, ये इसकी अगुवाई की है आज की जो शो की अगुवाई, तो आपने ये क्या विचारधारा लेकर आज के शो के लिए आपने लोगों को जोड़ा? देखिए, मेरे को कुछ भी बोलिए, पर ये पिक्चर जो थी ये मैं आज पांचवी छठी बार देख रही हूँ, और मैं जितनी बार देखती हूँ मेरे मन में आता है कि हम इतने बेबस क्यों हैं। हम लोगों ने कश्मीर में जो हुआ हमें पता नहीं लगा, मानते हैं, पर बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, तेलंगाना में भी पीछे कुछ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, कोशिश पूरी उज्जैन में भी की गई थी, पर मैं सोचती हूँ कि हमारे हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए। ये पिक्चर तो हमारे लिए बहुत बड़ा आंखें खोलने का एक जरिया सामने आया है, जो खुल के, क्योंकि अभी तक हम पीछे ही बात करते थे, डरते थे, कोई कुछ बोले नहीं, पर आज तो हमको विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्टेज दे दिया है बोलने के लिए है। तो अब भी हमारे हिंदू भाई जो हैं उनको जाके एकता के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और अपना इकलौता एक हिंदू राष्ट्र जो है उसको बचाना है हमने। हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या समुद्र के अंदर? हम मरे क्यों, हम क्यों ना अपना घर बचाएं? ये घर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इकलौता है, आधा कट चुका है, अब और नहीं कटने देंगे। इसके लिए सब हिंदुओं से मेरी प्रार्थना यही है कि आप इस पिक्चर से शिक्षा लें, और अपनी यूनिटी के साथ हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता के साथ अपना देश बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। कश्मीर में 370 वो हटाई गई है, सरकार के जो बीजेपी सरकार की जो पहल है, उस पर क्या बोलते हैं, सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह से कार्य? मोदी जी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, वो आए हैं तो हमें रास्ते मिले हैं, नहीं तो पहले तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था कांग्रेस के टाइम पे, और आज भी है जो हमारे स्टेट्स हैं जहाँ कांग्रेस है वहाँ हम बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, और हमारे को दबाने की कोशिश की जाती है। पर 370 आने से ये है कि हम अपने कश्मीर में अपना राइट्स तो पूरे ले रहे हैं ना, अब वो हम उसको ठीक से हिंदुओं को, अपने माताओं को, उनको, जितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनको वापस बसाने का सोचना चाहिए। इस फिल्म के निर्देशक ने जिस तरह से साहस का बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा रिसर्च किए थे, उसके बारे में, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप तो बताना चाहेंगे? विवेक अग्निहोत्री जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, मैं उनको ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ। हाँ, ताशकंद मैंने एक बार देखी थी, पर ये उनकी ये क्रिएशन तो बहुत ही बढ़िया है, इसने तो वाकई हमारे चक्षु खोल दिए हैं। और आप अपनी संस्था के बारे में बताइए, मातृभूमि सेवार्थ। हमारी जो संस्था है और क्या क्या, मातृभूमि ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-2.5 साल पुरानी है, रजिस्टर्ड हुई है 1-1.5 साल पहले, और हम लोग हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं और सबको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, ताकि हम लोग कभी अपने देश के टुकड़े ना होने दें और हम हिंदू बचे रहे। तो ये सिर्फ अभी आपकी शुरुआत हुई, 2.5 साल से हुई आपकी संस्था की शुरुआत, तो इस देश के बाहर बाहर भी ले जाना चाहेंगे आपकी? बिल्कुल, हम ये आवाज़ हमारी ऑलरेडी मेरे साथ जो है USA में ग्रुप है, कैनेडा में है, सिंगापुर में है, यूरोप में लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था में। आज जो प्रोग्राम इतने लोगों का हुआ है उसमें बहुत लोगों का योगदान है, ये आज मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ मेरे साथ बहुत लोग हैं, और वो लोग बेचैनी से हम सबका इस चीज़ों का, इसकी इंटरव्यू का, इसका शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। पर ये हम इस पिक्चर को ऑस्कर तक लेके जाएंगे, ये इसमें ना गाने हैं ना एंटरटेनमेंट है, ये एक सच्चाई है जो हमने पूरी दुनिया को दिखानी है। अच्छा, कश्मीरी पंडित जो है उनके साथ बहुत जो त्रासदी हुई है, तो आगे उनके लिए सरकार क्या करेगी और आपकी संस्था आगे कुछ करेगी या फिर फिल्म से कुछ हिस्सा भी उनको जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम चाहते हैं, हम सरकार के, देखिए अभी हमने मातृभूमि से सरकार को चिट्ठी लिखी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर को लिखा है कि जितने कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उनके लिए उनका पूरा हर्जाना भरा जाए, कंपनसेशन दी जाए उनके लिए, जो कोशिश हो सके। मुझे मालूम है कश्मीरी पंडित अब जाने से डरेंगे,
और हम भी सोचते हैं इस चीज़ को, अगर वो वहाँ बसते हैं किस तरीके से बसते हैं, कॉलोनी फिर तो और इजी टारगेट है, बीच में जाते हैं तो भी टारगेट है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारे जो करोड़ों की ज़मीनें ज़्यादातर छोड़ के वहाँ आए हैं, और चलो करोड़ों की नहीं पर इंसान जो रहता है जहाँ पे यूज्ड टू हो जाता है। मैं एक पवई में रह रही हूँ, मेरा वहाँ से निकलने को दिल नहीं होता, चाहे कैसा भी है, क्राउडेड हो गया। तो वो लोगों ने भी अपनी जिंदगी कश्मीर में निकाली, वो कैसे कहाँ से कहाँ। अच्छा, कुछ जो देखिए जो उन्होंने दिखाया, जो टेंट के अंदर लोग मरे हैं, मैं सोच के आज मेरी आंख में आंसू थे और मैं कांप रही थी कि कैसे बेचारे। कुछ लोग इस फिल्म को लेकर के कुछ गलत धारणाएं लगा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम की फिर से मतलब नहीं, वो छुपाना चाहते हैं अपने कुकर्म, अब सच्चाई फेस नहीं करना चाहते हैं वो। जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है, 150 करोड़ के करीब ये जाएगी, 1000 करोड़ जाएगी, ऑस्कर जाएगी, ये पिक्चर कोई छूटने वाली नहीं, हाउसफुल जा रहे हैं। आप देखिए आज हमने कितने बुलाए थे और सीढ़ी पे सारे आगे पीछे भरे हुए थे हॉल, आपको खुद ही देख लिया था कितना मतलब लोग आए थे, दर्शक आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, थैंक यू। हो रहा है ये आज नहीं हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम से शुरू है ये, आज से नहीं है। भाई मती दास देख लो, भाई सती दास देख लो, उबलते तेल में उनको डाल दिया गया था। आप गुरु तेग बहादुर जी का सुन लीजिए, छत्रपति संभाजी का सुन लीजिए, स्क्वाड्रन लीडर जो थे आहूजा उनका कैप्टन कालिया थे, अंकित शर्मा का लेटेस्ट केस, उसके बाद कौन सा केस था, एक और केस था अंकित शर्मा कर्नाटका में जो हुआ है, ये होते ही जा रहे हैं, ये कब तक होंगे, हम कब तक सहेंगे, क्यों सहेंगे। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को भी हथियार उठाने का लाइसेंस देना शुरू करे। अगर हमारे हाथ में हथियार के लाइसेंस होते, हम गोली ना खाते, हम अगर हम मरते, हम भी दो को मारते, तीन को मारते, उनको भी पता लगता कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं। हम हारना नहीं चाहते, हमारे में ताकत है, पर हमारे हाथ क्यों बांधे हैं, हमारे हाथ छोड़े। इसीलिए हमने मातृभूमि से लड़कियों को सबको सेल्फ डिफेंस सिखाने का अपना डिसीजन लिया है। खुद कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा है एक बार फिर से इस फिल्म के जरिए बाहर आई है, और आप जिस पीड़ा को सालों से इसको झेल रहे हैं, तो इसके लिए फिल्म के बारे में कुछ बोलिए और अपने अपने आप बीती के बारे में बताइए। हम इतना कहेंगे कि देर आई दुरुस्त आई, कि पहले तो किसी को बोलते थे कि हम वहाँ से आए हैं तो वो कहते थे आप भागे क्यों, हम भागे नहीं है, हमको बंदूक की नोक पे उन्होंने भगाया है, रातों रात हम निकले हैं। मेरा बेटा 3 साल का था, इसको मैंने नींद में उठाया, गोद में लिया, और ये रोने लगा तो मैंने मुंह पे हाथ रखा कि कोई आवाज़ ना सुनी, इस तरह निकले हैं। मेरी ननद साथ थी, हस्बैंड साथ थे, 2 ननदें मेरी अनमैरिड थी, उनको साथ लेके हम भाग गए हैं रातों रात, किसी को कुछ पता ना चले। हिट लिस्ट में मेरे देवर थे, उनको भी भगाया हमने वहाँ से। कैस क्या दशा हुई उन दिनों, हम जानते हैं कि हमको किस तरह वो फेस करना पड़ा, बहुत कुछ। हाँ, जाग पता तो चला, दुनिया को पता चला कि हुआ है हमारे साथ, हमें कोई यकीन ही नहीं करता था। जब हम कहते थे, सभी इतना कहते थे, आप बुजदिल हो, आप कायर हो, आप क्यों भागे, क्यों नहीं लड़े। तो इन हालातों में अब पिक्चर खुद बोलती है कि इन हालातों में हम कैसे लड़ते, ये हालात थे हमारे। आपका जॉब था, जनरल मैनेजर थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, और ये बताइए सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी वो सोचे, हमसे भी न्याय करे, उम्मीद पे ही दुनिया है। हम भी 32 साल से भटक रहे हैं, कभी जम्मू, कभी बॉम्बे, कभी कहीं, अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं। अपनी तो जो हमारी जनरेशन है, मेरी एज की जनरेशन, वो ज़्यादा सफरर है। बड़ों को तो हमने संभाल लिया, बच्चों को भी हमको ही संभालना पड़ा, जो कुछ भी है वो हमें ही संभालना पड़ा। हमारी जनरेशन ज्यादा सफरर है इस मामले में। अच्छा भाई साहब, आप बताइए इसमें जो उसका मुख्य जो किरदार है
उसको भी आपके नज़र दिखाया गया है, तो आप उसको कितना सही मानते हैं? क्या आज जो युवा है अभी जो आप लोग तो बहुत बचपन जो बच्चे रहे होंगे जब इस तरह से आप लोग जब जी जी मैं 3 साल का था जब हम वहाँ से निकले थे, याद है कुछ? मुझे इतना याद है कि जो ब्रंट है वो खाली वहाँ पे नहीं, बाद में भी फेस किया, क्योंकि बचपन में जब आप कहीं से भाग के आते हैं तो आपको भगोड़ा ही कहा जाता है टिल द टाइम जब तक लोगों को सच्चाई समझ में आई, और उस सच्चाई को समझने में 32 साल लग गए, क्योंकि 32 साल तक किसी ने पहल नहीं की थी, और पहल मेरे हिसाब से 2014 के बाद ही हुई है। 2014 तो किसी कहीं पे भी कोई पहल नहीं हुई, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि इनके लिए क्या किया जाए। जो इसमें दिखाया गया है कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए, ये अप्लाइड तो 1990 से कश्मीरी पंडित की थी, वो चाहता था 1990 से पहले से थी, क्योंकि ये खाली क्रिकेट मैच हारने की बात नहीं है। पंडित पिटता था, पंडित हर चीज़ में जीतने पर भी पिटता था, तो आप समझ लो आप अगर जीतो या हारो आप पिटोगे, क्यों? क्योंकि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हो। तो हमने सबसे ज़्यादा पे इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते थे कि वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा फहराए, हम ये नहीं चाहते थे कि लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहरे, और इसलिए हम वहाँ पे लोगों को रास नहीं आए, हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे मातृभूमि का जो संरक्षण है जो कर रहे हैं, जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप आपकी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते कोई तीसरा आदमी आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, तो आपको सशक्त होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। आपकी सुरक्षा और यू नो शक्ति आप में है, और जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। इस फिल्म के बारे में दो लाइन में बताइए कि मतलब इस फिल्म, ये फिल्म मास्टरपीस, दो लाइन नहीं एक शब्द, मास्टरपीस। रजनीश जी आप फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं, आप खुद फिल्म इंडस्ट्री के आदमी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो इस मौके पे काफ़ी सालों बाद एक ऐसी फिल्म आती है जो कि हमारी सच्चाई को हमारे सामने रखती है, जिस तरह से कश्मीर पर जो त्रासदी हुई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह जो फिल्म बनी है, आप फिल्म देखे हैं तो डायरेक्टर के बारे में जिस तरह से उन्होंने साहस का परिचय दिया है, उनके लिए क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और विवेक अग्निहोत्री जी ने जो साहस किया है, और पता नहीं साहस में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा होगा इस फिल्म बनाने के लिए, ये तो शायद मुझे मालूम नहीं है, लेकिन माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग काम किया है विवेक जी ने। और इस फिल्म से लोगों को, दर्शकों को, और हमारे रहने वाले जो हिंदुस्तान के बाहर है, हिंदुस्तान के अंदर है, उनको ये पता चल रहा है कि कश्मीर में हुआ क्या है, और ये होना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि जो आज के नए प्रोड्यूसर हैं, नए मेकर्स हैं, वो इस तरह का सब्जेक्ट उठाएं और दर्शक के पास लेके जाएं, ताकि दर्शक ये समझें कि वाकई में फिल्म नहीं, हमें सच्चाई दिखाई जा रही है। वैसे भी फिल्म तो बोलते ही हैं कि हमारा जो फिल्म है वो आईना है, और आईना कभी झूठ बोलता नहीं ना, तो सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिल्मों में कुछ फिल्में हैं जो गलत तरह से परोसा जाता है, दर्शकों का ब्रेन वॉश जाता है, ये फिल्म कहाँ तक सही खेली है? नहीं नहीं, ये तो इसका तो मानना बहुत गलत है। गलत तरीके से जो परोसी जा रही है वो झूठ है, वो झूठ दिखा रहे हैं, और साथ साथ तो लोगों को गुमराह भी तो कर रहे हैं ना। आप फिल्में दिखाते क्या हैं? बाप अलग पिक्चर देख रहा है, माँ अलग फिल्म देख रही है, बेटा अलग फिल्म देख रहा है, ये है क्या? आप परिवार को जोड़ने की कोशिश करिए ना, एक ऐसा सब्जेक्ट उठाइए कि परिवार साथ में बैठ के देखे। फिल्म का मुद्दा ही वही होता, हम फिल्म को आईने की तरीके देखते हैं, और फिल्म जो है वो एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि पूरा घर साथ में देखे ना तो लगता है कि फिल्म देखी है। एक ज़माना था कि जो माँ बाप छोटे बच्चों को फिल्म दिखाने ले आते थे, डरते नहीं थे, उन्हें मालूम था कि फिल्म स्वच्छ है, सुंदरता और एकदम शिक्षा का उदाहरण है, तो बस वो उस तरीके से लेके जाते थे वो। इस तरह बॉलीवुड में अब क्या इस फिल्म के आने, ऐसी फिल्म जो सत्य के करीब है, ये फिल्म आने से बॉलीवुड में और फिल्म में कुछ लोग साहस कर पाएंगे, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, आप भी फिल्म में कर रहे हैं, क्या आप भी आगे चल के ऐसी फिल्म करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये साहस इतना बड़ा साहस है कि हम सब लोगों को बोलना चाहते हैं कि ऐसा साहस करते रहो, ऐसा साहस करते ही रहना चाहिए। जो नए लोग हैं उनको भी करना चाहिए, जो पुराने लोग उनको सीखना चाहिए कि इस फिल्म देख के, इस ऐसी फिल्म देखकर जो रवि अग्निहोत्री साहब ने बनाई है,
वो माइंड ब्लोइंग फिल्म है, ऐसी फिल्म बनाए जिससे दर्शकों का मनोरंजन नहीं शिक्षा मिले। मनोरंजन के लिए अलग फिल्में हैं, शिक्षा के लिए अलग फिल्में हैं, तो शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है इस फिल्म से। शिक्षा का केंद्र है ये फिल्म, हमारी शिक्षा का केंद्र है। तो सारे प्रोड्यूसर जो मेकर्स हैं, नए नए मेकर्स हैं, उनको लगना चाहिए कि ये फिल्म बनी है तो किस लिए बनी है, क्या दिखाना चाह रही है, सच्चाई दिखाना चाह रही है तो सच्चाई दिखाओ। आज की तारीख में सच्चाई दिखाएंगे तो हर देश आगे बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, लोग मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं लोग, हमारा देश टुकड़ों में नहीं टूटेगा। यस, धीरे धीरे करके ऐसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मातृभूमि संगठन ने जो ये जिम्मा उठाया है, लोगों तक, लोगों को थिएटर तक ले जा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं, आप सोचो कितना महान कार्य कर रहे हैं। ये जागृति जो है ना, ये सब लोगों को करना चाहिए, हर संगठन के लोगों को ऐसी जिज्ञासा फैलाना चाहिए, चारों तरफ जागृति फैलानी चाहिए कि आप जाओ फिल्म देखो, फिल्म देखने से शिक्षा मिलेगी, आपको दिमाग में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लोगों को पता चलेगी। आज आपने कश्मीर फाइल देखी है, जिस तरह से कश्मीर और पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है उसके बताया गया है इस फिल्म में। ये तो पहले बात तो मैं सभी भारतवासियों को जय श्री राम, और मैं मातृभूमि का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और उन्होंने ये सपोर्ट किया ये पिक्चर, जितने भी हमारे हिंदू बहुसंख्यक लोग आए थे और जो भी नीचे बैठे थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया, बाकी सब हमने मिलजुल के भी जो एकता दिखाई है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा एकता बने और एक स्टैंड ले जो हमारे हिंदू पंडितों के साथ जो कश्मीर में हो, किसी के साथ ना हो, बंगाल फाइल्स ना बने, फिर केरला फाइल्स ना बने, फिर हैदराबाद फाइल्स ना बने, आसाम फाइल्स ना बने, ये चाहता हूँ कि मुंबई फाइल्स नहीं बने। इसके लिए जो भी है हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको ये शक्ति अपने प्रदर्शन करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं कोई ना कुछ आज हो रहा भारत में अब, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। और मैं तो यही बोलता हूँ कि जो कश्मीर हमारा था, वो जो 370 हटा वो कश्मीर हमारा था, जो सम्राट अशोक जी थे, हरि सिंह जी थे, वो जो राजा महाराजा थे वो कश्मीर हमारा था, जो लाल तिरंगा पे हमने जो भारत का झंडा ले रहा था वो कश्मीर हमारा था। आज घर से कहते हैं कि आज कश्मीर के साथ जो इतना दर्दनाक, इतना बुरी तरह से उनके साथ अत्याचार किए, ये जो मूवी के द्वारा दिखाया गया, मुझे तो लगता है कि और मूवी में बहुत कुछ कम दिखाया गया, इसके पीछे भी और कुछ बहुत कुछ सच है। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर और 4-5 जो सीरीज़ बने और लोगों के सामने सच्चाई आवे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप ये फिल्म देख के जितना हो सके उतना अवेयरनेस लाइए लोगों में, और जितना हो सके उतने लोग अच्छे अपने बच्चे लोगों को शिक्षा दे और क्या रियलिटी है वो बताए लोगों को। अगर हम आज बोलते नहीं है हमारे वो है, लेकिन कश्मीर में तो भाई भाई थे ना, वो भी तो अपने ही थे आजू बाजू, क्या हुआ उनके साथ अब खुद देख सकते हो इस मूवी के ज़रिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने यहाँ पे लोग मूवी देख के गए उनमें जागरूकता हो, हमारे हिंदू पंडितों के लिए उनके लिए स्टैंड ले, और हम तो चाहते हैं कि इसके लिए आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए और ऐसा दुर्घटना ना हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। और सभी लोग से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए और भारत को विश्व गुरु बनने से मत रुकिए, और जो भी हमारी सरकार हमारे लोगों के लिए कर रही है उनका समर्थन कीजिए, और जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है उनका साथ दीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य और सबका भला हो। ये जो भारत के खाके, अगर तुम भारत का खाओगे, अगर पाकिस्तान का गुणगान गाओगे तो ये नहीं चलेगा भारत में, जो भारत में वो भारत का ही गुणगान गाना पड़ेगा। तो ये तो हमारी आशा है कि हम अपने मतलब जो है गुरु गोविंद सिंह का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो हमारे संसार है हमने वही हम पालन करते आ रहे, तो हमें श्री राम से परशुराम बनने टाइम नहीं लगेगा। तो आप, हम यही चाहते हैं कि मिलके रहे और ये भारत को विश्व गुरु बनाए, और हम चाहते हैं कि ऐसा कश्मीर दोबारा ना बने और ऐसी नौबत भी नहीं आने देंगे। यही मेरी सबसे विनती है, और एकता बनाए रखे और भारत को विश्व गुरु बनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, महाराणा प्रताप की जय, हर हर महादेव। कश्मीर फाइल्स की जो कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी है, तो आज आप भी इस फिल्म को देखने आई हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग जुड़े थे यहाँ पे फिल्म को देखने के लिए, जिस तरह से हिंदुत्व के भाव भावनाएं जगी थी, आप भी इनमें मौजूद थे इनके बीच में, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा था?
और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस फिल्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, पहले तो बहुत बढ़िया फिल्म, मैं ये पांचवी बार देख रही हूँ, अभी आज छठवीं बार हो गया, और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी विवेक अग्निहोत्री जी का, किसी ने तो हिम्मत की सच बताने की, 32 ईयर्स, 32 साल, कैसे किसी कंट्री, कैसे किसी देश में छुप सकता है इतना बड़ा जेनोसाइड, लेकिन हमारे भारत महान में हुआ ऐसा, कुछ चंद पावर के भूखे लोगों ने इस सच को छुपाए रखा, वो भी इतने सालों तक, अब जब सच बाहर आया है तो बिल्कुल सब लोग एकजुट हो गए हैं, और मैं बोल रही हूँ कि अभी इसको एक मूवी की तरह न देखा जाए, इसको एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाए, इसको एक स्टेपिंग स्टोन देखा जाए जो कि भारत को विश्वगुरु बनाएगा। अब सब छोड़िए जाति वाति जो भी हैं, अब हम एक साथ इस भारत को सच में सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार हैं। मैं इनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, मतलब आप बोल सकते हैं कि करके हम दोनों ने बहुत सारे इवेंट साथ में किए हैं, हम बिहार तक गए, हम बहुत दूसरे दूसरे सिटीज़ में साथ में जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साया बन के जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आजकल जो रहता है ना, रोटी मकान कपड़ा, उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, तो हम कैसे भी अपने ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, थोड़ा वक्त चुरा कर देश की सेवा कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि करके सब लोगों को, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, उनको थोड़ा थोड़ा अपना हर वीक में 2-3 घंटे अपने देश के लिए देना चाहिए, और ऐसी पिक्चर्स को, और मुझे चाहिए कि हर कोई बंदा जो पिक्चर ये देखे और उससे कुछ सीखे कि ये कश्मीर फाइल्स आगे द मुंबई फाइल्स में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि करके कश्मीर जल रहा है, और मुझे दिख रहा है कि मुंबई भी जलने वाला है, तो उसको रोक ही लीजिए, हमारे हाथ में है, हम ये रोक सकते हैं, जब हम संगठित हो जाएंगे, जब हम यूनाइटेड रहेंगे तो ये हो सकता है। हमारा हमेशा ये नारा रहा है कि जियो और जीने दो, पर अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको उनकी ही भाषा में समझाया जाए कि हम ऐसा चाहते हैं, आपको भी जीने दे रहे हैं, हमको भी जीने दो, पर ज़्यादा हमसे छेड़खानी मत करो, छेड़ो मत, क्योंकि आपको अब जवाब बिल्कुल मिलेगा। वो ज़माना गया कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो बोलेंगे दूसरा गाल पे भी लगा लो, अब अगर एक मारोगे तो 10 आपको खानी पड़ेगी, इसके लिए तैयार हो रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सेक्युलर जो हैं, जो भाईचारा बताते हैं, भाई भाईचारा छोड़िए, क्योंकि अभी तक आप चारा बन चुके हैं, खा लेंगे वो चारा समझ के, तो अब वो मत रखिए, इससे आँख खोलिए। उन्होंने कहा था कि अगर आपके भाई को बोलेंगे मार दो तो मार दोगे, तो बोलता है हाँ मार देंगे, बोले माँ को मारने के लिए कहेंगे तो मार दोगे, तो सिंपल उसने बिना पलक झपकाए बोला मार देंगे, तो अगर वहाँ से आवाज़ उठी, आप तो अनजान हो, 1 सेकंड नहीं लगेगा यहाँ तक आने के लिए, तो जागो। और सेक्युलर का वो जो चोला जो रहता है ना, वो छोड़ दीजिए अभी, अब जो जैसे सीधा है उसको सीधे को सीधा कहिए, और गलत को बोलने की हिम्मत कीजिए कि तू गलत कर रहा है। हम सब चाहते हैं कि जैसे हम लोग ने इतनी बड़े बड़े मतलब आके आके हम लोग बड़े बड़े क्राउड्स में देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, आप भी आइए, बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर आइए, आप में वो एक देशभक्ति जागेगी, और आपको लगेगा कि जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ हम और गलत होने नहीं देंगे, उनके जख्मों पे थोड़ा सा तो मरहम लगेगा, क्योंकि उनको कितना अच्छा लग रहा है कि उनको पता चला। और जो जम्मू में किसी लोग जब वो जा रहे थे, तो किसी लोग ने, अभी मुझे किसी ने बताया, जो कश्मीर विक्टिम है, उन्होंने बोला कि जम्मू वाले उनको जब गए तो बोल रहे थे कि आपको लड़ना चाहिए था, आप क्यों भाग कर आ गए, भाग कर भगोड़े उनको नाम दे रहे हैं, जब पूरी आपकी जो आपके नेबर आपके खिलाफ है, आप पूरे चौतरफा घिरे हुए हैं, गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने जो तब किया वो बिल्कुल सही था, पर अब आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसको सही करने के लिए संगठित होइए और आगे आइए। मतलब ये चाहते हैं कि अगर कोई आपको बोलता है कि भाई गलत हुआ है, तो उसको ये फिल्म दिखाना चाहिए, ये फिल्म देखेगा तभी उसको और समझ में आएगा कि सही में।
सबको देखनी चाहिए, सबको, और हिम्मत आ जाएगी ये बोलने के लिए कि करके जो गलत है उससे किसी को छुपाइए मत। यहाँ पर भी जो है ना कि छुपाना कि सब अच्छा गुडी गुडी पिक्चर हरे हरा सब बाग मत दिखाइए किसी को, जो है सो है, ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट, और कहने की हिम्मत रखिए। बस वो एक बार हिम्मत आ गई सब सॉर्टेड हो जाएगा, पूरा पूरा भारत अच्छा हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।